हेलो बच्चों पार्टी। तो कैसे हैं सभी यार? जस्ट आंसर की चल रही है इसकी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और एडमिशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं वितन 3 से 4 दिन के अंदर। टाइमिंग बहुत कम मिलेगी, ठीक है, ये बात कान खोल कर सुन ले सभी बच्चे। टाइमिंग बहुत बहुत ही कम मिलेगी क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है, ठीक है। अभी जस्ट अक्टूबर चल रहा है और इनको क्लासेस स्टार्ट करनी है एटलीस्ट 21 से 23, 25 मान लो, 25 अक्टूबर से ऑलमोस्ट ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, ऐसा आगे से ऑर्डर है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है यार। एनटीए की वेबसाइट है और इसके ऊपर अभी जस्ट ये आंसर की वगैरह चल रहा है, ठीक है। और अगर अपन बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आज 5 अक्टूबर हो चुका है, ठीक है, और रिजल्ट इसका जस्ट 7 से 8 अक्टूबर, ठीक है, यानी कल 6 अक्टूबर है, परसों 7 और 8 अक्टूबर, 2 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे रिजल्ट आता है, जैसे यूनिवर्सिटीज है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, जितनी भी 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, वो डायरेक्टली एडमिशन स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे एडमिशन स्टार्ट होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, ठीक है। और जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स भी होते हैं फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता, ठीक है, कुछ गलतियों की वजह से फॉर्म का पता नहीं चल पाता, कैसे अप्लाई करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हम कितनी के अंदर अप्लाई करें, इसमें भी अप्लाई करें, इसमें भी अप्लाई करें, एटलीस्ट सभी का एक पोर्टल नहीं होता, सभी को अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है हर यूनिवर्सिटी में। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चा हर यूनिवर्सिटी को पैसा दे, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की अगर अपन बात करें, तो पहले आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, तनाक है वो बोलता है कि पहले मुझे पैसा दो, जिसका एडमिशन हो गया उसका तो मैं पैसा रख लूंगा, जिसका नहीं हुआ उसको मैं 5 6 महीने बाद वापस लौटा दूंगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें इनके रिफंडेड की, तो यार मतलब बहुत लेट करते हैं ये लोग, ठीक है। अगर अपन इनके रिफंड की बात करें, तो अगर आप इनको पैसा दे देते हैं, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी को, तो इनका रिफंड बहुत लेट होता है, ठीक है। पिछली बार अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, तो 2020 सेशन के अंदर इन्होंने लोगों ने रिफंड बहुत लेट किया था, ठीक है, इतना जोशा और शीशे भी लेट नहीं करता, ठीक है, दिसंबर से आगे पहुंचा दिया था बच्चों को, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये ऐसा करता है कि पहले पैसा लेता है फीस का, फिर आपके काउंसलिंग होती है, ठीक है, अगर काउंसलिंग में एडमिशन हो गया तब तो ठीक है, वरना फिर आपका पैसा वापिस कर देता है, ठीक है। और अभी अगर मैं बात करें, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर 12 पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, असम है, और ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, ठीक है, ये सीओ राजस्थान, सीओ एसबी यानी गया, साउथ बिहार, ये केरला, कर्नाटका, और ये हरियाणा बहुत अच्छा है सीएस के लिए, ठीक है, और ये असम यूनिवर्सिटी सिलचर, ठीक है, ये भी असम यूनिवर्सिटी डायरेक्टली वहाँ के लोकल जो बच्चे थे उनको तो डायरेक्टली दे रहा था, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा, तो यार तुम लोगों के पास मौका है, अभी जस्ट 48 घंटे हैं ओनली फॉर, ठीक है, 48 कोर्स ओनली, हमारा अभी एक प्लान चल रहा है सब्सक्रिप्शन प्लान, ओनली फॉर 499 रुपीज, ठीक है, सॉरी 599 है, ओके। और ये जस्ट आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, ओके, तो 8 अक्टूबर को एक क्लोज होता है। तो यार ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर पे ये तुम्हें लिंक मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर साफ साफ मेंशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गारंटेड एडमिशन 2021, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गारंटेड एडमिशन 2021, ओके बच्चा पार्टी। एंड अगर अपन इसके बात करें, तो ये जस्ट कुछ समय के लिए ही है ओनली फॉर, ठीक है, जस्ट 48 घंटे है तुम्हारे पास, 8 अक्टूबर 2021, इसके बाद ये जो है डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब जो है ये बाद में वर्क नहीं करेगा, तुम इस पे पेमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों का यही होता है कि यार पेमेंट कैसे करें, पेमेंट जस्ट प्रॉब्लम आती है बहुत बच्चों को, तो इनको इसके ऊपर आप सभी को पेमेंट करके दिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये पेमेंट गेटवे है, तो ये डायरेक्टली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, उसके ऊपर आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गारंटेड एडमिशन 2021, ओके बच्चा पार्टी। और जस्ट ये भी ओके बच्चों, तो जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया ये पोर्टल खुला, और आप किसी भी मेथड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे डेबिट कार्ड है, ओके,
और ये वॉलेट है, वॉलेट के अंदर बहुत सारे पोर्टल अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे फोन पे, गूगल पे, फ्री चार्ज, TFC, पेटीएम, ठीक है। अगर आपको QR कोड स्कैन करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये QR कोड, इससे आप फोन पे से कर सकते हो आसानी से, ठीक है, या किसी भी QR कोड से। इसको आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। एक स्पेशल जानकारी सभी को बताना चाहूंगा, जिन बच्चों के CUET में मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर एक नंबर भी आ रहा है ना तो उसका भी एडमिशन करवाते हैं हम लोग, ठीक है। पिछली बार भी हुआ है, जिसके एक नंबर आया है CUET टेस्ट के अंदर, उसका भी एडमिशन हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो हमारा प्लान है वो सिर्फ 48 घंटों के लिए ही वैलिड है, ठीक है। और आज 5 अक्टूबर हो चुका है, और एटलीस्ट ये 8 अक्टूबर तक वैलिड है, ठीक है। 8 अक्टूबर बाद ये लिंक डीएक्टिव हो जाएगा, यानी कि आप इस पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस, दिस इज माय कॉलेज एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, PSIC पटियाला, ठीक है। एंड दिस इज फुली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, एरोस्पेस प्रजेंस PSIC पटियाला, एक GPTI है। एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन NDA कैंपस, ठीक है। एंड दिस इज प्रोवाइडिंग एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन एविनेशन सेक्टर। और अगर अपन बात करें एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, तो कंपटीशन बहुत कम है, बहुत 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 ही कम है, क्योंकि कॉलेजेज है ही नहीं। अगर अपन बात करें एरोस्पेस के कॉलेजेस, तो एटलीस्ट 3 से 4 IITs एरोस्पेस में करवाती है, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, ठीक है। और कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे PSIC पटियाला है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, IISc सिंपुर है, ठीक है, IISc तिरुवनंतपुरम है, कुछ ही कॉलेजेस है जो एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो हमारे यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। जो बच्चे लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं मैकेनिकल वगैरह में, तो वो जस्ट एरोस्पेस या एरोनॉटिकल में ले सकते हैं, ठीक है। एंड हमारी क्लास में भी कुछ सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, जस्ट हमारे कॉलेज के अंदर, सॉरी, ठीक है, हमारे कॉलेज के अंदर कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। तो जिनको एडमिशन चाहिए उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, ठीक है। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप सिंपली विजिट कर सकते हैं PSAC.ac.in, ठीक है। उस पर आपको ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ठीक है, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेटरल इंट्री के लिए भी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, ठीक है। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। अभी डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, कोई काउंसलिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और दिस इज प्रोवाइड इन एरोनॉटिकल एरोस्पेस, BBA इन एविनेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट यानी BMS, ठीक है। तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो स्पेशली यार टारगेट रखना, जो हमारा स्पेशल प्लान चल रहा है, क्योंकि हमारा जो प्लान है यह बहुत सस्ता प्लान है, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो जोसा वगैरह के बहुत हाइब्रिड प्लान है, जैसे लाइक 20, 25, 40 तक भी गए हैं पहले तो, ठीक है, 60 तक भी गया है, ठीक है। CSK सीट का तो 80 तक भी गया है, ठीक है। तो ये जस्ट तुम लोगों को मौका मिल रहा है, सिर्फ 3 दिन है, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आज का तो एटलीस्ट दिन निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि वीडियो रात को अपलोड होगा। ओके बच्चा पार्टी। और अगर अपन बात करें तो यार CUET में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, ठीक है। एंड मोमेंट पे लास्ट में हम डायरेक्टली भी करवाते हैं एडमिशन, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। शौक में होंगे आप लोग कि NTA टेस्ट करवाता है डायरेक्ट एडमिशन, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है, हम जैसे लोग करवा सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। ओके, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बहुत अच्छा कॉलेज है यार, हमारा अजमेर है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी फैकल्टी होती है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चलता है, ठीक है। तो अगर आपने एंट्रेंस दिया है, अच्छे मार्क्स, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो भी प्लान ले सकते हैं, ठीक है, स्पेशल प्लान उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उनको भी नहीं आइडिया कि कैसे काउंसलिंग होती है। और इस बार तो यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार तो बहुत ही हाइब्रिड प्लान होगा, क्योंकि जस्ट NTA ने कंडक्ट किया भाई, ठीक है। और मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, पेपर लेवल का नहीं था, ठीक है, नॉर्मल पेपर था, कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो कांटेक्ट कर ले। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, खूब पढ़िएगा, बहुत कम मजा कीजिएगा, बाय बाय।